सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी हर नई वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं सूरज और आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला कि LIC अपना प्रीमियम कैसे ऑनलाइन मोबाइल से जमा कर सकते हैं। उसके लिए अपने फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल कर लेना है। पेटीएम इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं LIC का आइकॉन आएगा, नहीं आ रहा है ये जो फोर वाला जो डॉट है इसके ऊपर मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप इसमें आप यहाँ से LIC का आइकॉन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसे मेरा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे LIC ऑफ इंडिया, उसके नीचे आपको पॉलिसी नंबर जो आपका जिसका आपको ड्यू प्रीमियम आपको जमा करना वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद प्रोसीड टू को क्लिक करना है। क्लिक करने में आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर, कस्टमर नेम, ड्यू डेट, टोटल आपका जो अमाउंट पे करना है आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपका LIC पे ड्यू डेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे इस टाइप का कोई आप यहाँ तभी आप जमा कर सकते हैं आपका LIC प्रीमियम का ड्यू डेट अगर आपका पूरी है तभी, नहीं तो कोई इस टाइप का आप तभी LIC प्रीमियम जमा कर सकते हैं जब आपका ड्यू डेट, जैसे मैं दूसरा नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका ड्यू डेट नहीं पूरा है तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे शो करेगा, जब आपका ड्यू डेट पूरी आएगा तभी आप यहाँ से जमा कर सकते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे में आपका जो है कि प्रोसीड टू पे अमाउंट जो है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट में बैलेंस है या अपना बैंक डेबिट कार्ड से, या पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं पेटीएम पेमेंट बैंक से करने वाला हूँ, मेरे इसमें अमाउंट है, आपको जितना अमाउंट अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में होगा तो यहाँ पर शो करेगा अवेलेबल बैलेंस। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासकोड डालने के बाद आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। मैंने पेटीएम पेमेंट में से पेमेंट कर रहा हूँ मैं। अगर आपके बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के एक्सपायरी डेट, CVV कोड जो आपका कार्ड का बैक साइड में पिन अंक होगा लास्ट वाला वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आएगा, पे के ऊपर क्लिक करके। तो मैं अपना पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा इसमें पैसा है तो यहाँ पे मैंने पासपोर्ट डाल दिया था, पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इंश्योरेंस सक्सेसफुली मेरा पे हो गया है। अगर आपको रिसीट लेना है, रिसीविंग अगर आपको लेना है तो आप मुझे पेटीएम में जो आपका ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल चला जाएगा, आप वहाँ से अपने फ़ोन में डाउनलोड या प्रिंट आउट कर सकते हैं।